हाय गाइस, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ ने एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सबसे पहले बता देता हूं यह एडमिट कार्ड किस वैकेंसीज के हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट 2015-16 की वैकेंसीज जो थी उसके एडमिट कार्ड अपलोड हुए हैं। तो यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो एडमिट कार्ड आए हैं OFA/CG2001/DR/2015-16। तो यह काफी पुरानी वैकेंसीज है, काफी दिन बाद इन्होंने एडमिट कार्ड अपलोड किए हैं। तो जिन कैंडिडेट ने इस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया है तो उनके रजिस्टर्ड नंबर पर उनको मैसेज मिल जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ डेट दी गई है। तो यह इस एडवर्टाइजमेंट के जो अप्लाई हुए थे वह 29 मार्च 2016 से लेकर 12 अप्रैल 2016 तक इसकी लास्ट डेट थी। तो यदि आपने अप्लाई किया है तो आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कई सारे कॉलम मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है एडवर्टाइजमेंट डिटेल का। यदि आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल देखनी है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज थी, क्योंकि यह काफी पुरानी वैकेंसीज है, तो यहाँ आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है क्लिक टू डाउनलोड फॉर्मेट ऑफ ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। बाकी यहाँ पर मैं आपको मेन चीज यह बता देता हूँ, क्लिक टू व्यू सिलेबस। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए सिलेबस यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। अभी मैं बारी बारी सभी ऑप्शंस को क्लियर करूंगा। और सबसे मेन ऑप्शन यहाँ पे आप देखने को मिल जाता है, यह आप थर्ड लास्ट में आप देख रहे होंगे, इन्हें इन्होंने इंक्लूड किया है ग्रांट ऑफ 5 एक्स्ट्रा मार्क ऑफ एक्स ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तो जिन लोगों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस किए हैं, एक्सट्रेट अप्रेंटिस वाले हैं, उन लोगों को इन्होंने 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख लिए आपको क्लियरली मिल जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ रिक्रूटमेंट ऑफ, यहाँ पे यह आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्लियरली इन्होंने दिया जो आपका अप्रेंटिस एक्ट 1961 है उसमें जो संशोधन हुआ था 2014 में और उसकी जो धारा 22 आई है उसके तहत इन्होंने एक्स ट्रेड अप्रेंटिस वालों को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए हैं। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो क्लियरली। तो यह विशेष सूचना है, चूंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस जिन लोगों ने की है उनके लिए काफ़ी फायदा हो सकता है यहाँ पे। चलिए जानते हैं नेक्स्ट। तो अब जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने सिलेबस दिया है। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख रहे होंगे, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है। तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए सिलेबस है जिसमें इंग्लिश है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, मराठी, इस प्रकार। चूंकि यह मुंबई की वैकेंसी है अंबरनाथ की, तो यहाँ पे मैं ओनली टेक्निकल का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडमैन जो कि आइस ट्रेडमैन है, जो ITI से अप्लाई किए हैं उनके लिए यह सिलेबस उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट टू पार्ट में आपका एग्जाम पेपर डिवाइड रहेगा। सबसे फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वह रहेगा आपका जर्नल साइंस का, जिनमें आपके 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मल्टीपल चॉइसेस 10 मार्क्स के रहेंगे। और सेकंड जो रहेगा और 10 मार्क्स क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के रहेंगे 10 मार्क्स के। और बी पार्ट जो रहेगा, बी पार्ट में आपके 80 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड रहेंगे, आपकी ट्रेड जो भी है उससे रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके लिए टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपको मिलता है 2 आवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली इन्होंने बोला रिटर्न टेस्ट विल बी फुली ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइसेस एंड OMR बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेंड इन रिटर्न टेस्ट कैंडिडेट 1.25 टाइम्स। तो जो प्रैक्टिकल यानी ट्रेड टेस्ट के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे वह 1.25 यानी 4 पोस्ट पर एक लड़के को एक्स्ट्रा लिया जाएगा, यहाँ पर क्लियरली इन्होंने बता दिया है। तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल में यदि सिलेबस जानना है तो इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और डिटेल में आप जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आप वहां से देख सकते हो अपने सिलेबस को। चलिए जानते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ आपको एक कॉलम मिल जाता है क्लिक हर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। चलिए देखते हैं क्या। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उसके लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉरगॉट कर सकते हो। चलिए देखते हैं फॉरगॉट करके। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर फॉरगॉट कर सकते हैं। तो यहाँ फॉरगॉट करने के लिए आपको डिटेल्स सबमिट करनी होगी, कैंडिडेट का नेम एंड फादर्स एंड हस्बैंड नेम्स, डेट ऑफ बर्थ एंड कैटेगरी। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, यदि आपने इस पोस्ट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है
तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा और आप आसानी से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि फॉरगॉट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी पुरानी वैकेंसीज है, यदि आपका प्रिंट आउट गुम हो गया हो या मिस हो गया हो तो आप इस प्रकार अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो।